वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आर्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल हमने बता दिए थे। देन कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 86,100 का, देन फिर उसके बाद हमारा 86,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रजिस्टेंस का काम करेगा। और आपको पता है कि आज हमारा यहाँ से लेवल ब्रेक तो ज़रूर हुआ था, बट यहाँ से मार्केट हमारी फिर यहाँ पर वन साइडेड उसने मूव दिया था, यानी मार्केट में सिर्फ हमें यहाँ पर अगेन एंड अगेन सेलिंग देखने को मिली। और जो लेवल्स हमने आपको भेजे थे वो आज हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लेवल्स के टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। देन कुछ स्टॉक्स भी फिर हमने आपको यहाँ पर रिकमेंड किए थे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आपको फिर निफ्टी मिड कैप में भी बता दिया था कि जो ये बुलिश है ये 13,400 के लेवल की अपसाइड रहेगी, क्योंकि इसका ये प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई है निफ्टी मिड कैप का। फिर निफ्टी में भी हमने आपको बता दिया था कि हैमर पैटर्न हमारा बना हुआ है, बट अगर स्पॉट पर हाई ब्रेक होना ज़रूरी है और होल्ड भी। देन निफ्टी की भी हमने आपको ये रेंज बाउंड मार बताई थी यहाँ पर। देन सेंसेक्स की हमने आपको एक पुट पोजीशन दी थी 86,200 की पुट, और आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर 430 से लेकर यहाँ पर डायरेक्ट 470 का हाई लगाया है, और उसके बेसिस पर हमने भी यहाँ पर अपनी कुछ ट्रेड्स को लिया था। देन बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि ये हमारी यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है। और फिर निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था, एक पुट पोजीशन मैंने आपको दी थी, और आप देख सकते हैं कि इसने 121 से 131 का डायरेक्ट यहाँ पर हाई लगाया था, और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में ही थी, और देन इसने फिर लास्ट में 190 का यहाँ से हाई लगाया था। फिर निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी थी, और सेंसेक्स में भी मैंने बता दिया था कि 85,650 का अगर लेवल ब्रेक हुआ देन 85,550 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। और आप देख सकते हैं जो 85,538 का जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था, ये टारगेट आज हमें यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि जो स्पॉट ट्रेंड लाइन यहाँ पर भेजी थी उनका ब्रेक होने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन थी, सेंसेक्स भी 70 पॉइंट डाउन था, फिर निफ्टी भी 80 पॉइंट डाउन थी, देन बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं वन साइडेड मूव था, तो 160 पॉइंट यहाँ से डाउन साइड थी। यानी जो टारगेट्स हमने आपको आज दिए थे वो टारगेट्स यहाँ से हमारे अचीव हुए थे, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो यानी जो कुछ भी मार्केट आज के दौरान बनता वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कि आप यहां पर फिन निफ्टी में मंडे को कैसे ट्रेड करके चलेंगे। अगर हम यहां पर फिन निफ्टी के सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर जाकर देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट हमारी यहां पर थोड़ी गैप डाउन ओपन हुई थी, बट वो यहां पर काफी टाइम तक कंसोलिडेट रही और 25,100 के लेवल का उसने अगेन एंड अगेन यहां पर काफी बार रेजिस्टेंस लिया। आप इसको यहां पर देख सकते हैं कि उसने इस लेवल की कितनी ज्यादा यहां पर रिस्पेक्ट की थी, 25,100 के लेवल की, जो कि एक साइकोलॉजी हमारा लेवल था, ये रेजिस्टेंस का इसने यहाँ पर काम किया। फिर हमने आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर सेंड की हुई थी कि ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं कि जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ था देन हमारा जो यहाँ पर ये हमारी डिमांड जोन थी यानी 25,000 का लेवल था, यहीं तक हमारी मार्केट आई। उसके बाद ये जो हमारे लिए यहाँ पर डिमांड जोन का काम कर रहा था, फिर अगेन इसको ब्रेक करने के बाद आफ्टर रिटेस्ट फिर से इसने यहाँ पर डाउन साइड मूव दिया, और जो अगेन हमारी यहाँ पर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी इसका अगेन इसने यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी अब ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये कितना ज़्यादा हमारे लिए सपोर्ट का काम कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये इतना अच्छा मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया था, फिर इसने का अगेन यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर इसका अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया है हमारा फ्राइडे को भी। तो मंडे के लिए भी आपके लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट के लिए काम करने वाली है। अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन होती और फ्लैट ओपन होने के बाद वो अगर इसका ब्रेक करती है फिर आपको यहाँ पर सेलिंग नजर आएगी, बट अगर वो यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और कंसोलिडेट होती है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेक अपसाइड देती है, तो देन 25,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद यहाँ पर फिर 25,100 का और देन 25,000 यहाँ पर 200, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो अगर इसके यहाँ पर हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा यहाँ पर बना है, जिसको हम यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने अपने रजिस्टेंस से यानी मार्केट में इतनी ज़्यादा ये बाइंग आने के बाद ये रजिस्टेंस है हमारा, और यहीं से इसने यहाँ पर सेलिंग दी है। तो इस वीक हमारा यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। तो
अगर इसका यहाँ से लो ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो 24,000 यहाँ पर 46 का ही हमारा निकल कर आएगा, जो कि प्रीवियस हमारा यहाँ पर ऑल टाइम हाई था। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हमारा यहाँ से कोई इम्पॉर्टेंट लेवल रजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो या ट्रेंड लाइन हो वो ब्रेक होती है तो अगेन मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आती है। तो अगर इसका यहाँ से लो ब्रेक हो जाता है तो आपको ये टारगेट यहाँ पर नज़र आ सकता है, बट ये नहीं है कि मंडे को ही आपको ये टारगेट यहाँ पर अचीव होगा, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर टारगेट आने में आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि बेयरिश कैंडलस्टिक की हमें यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिली है, बट इसे हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी अभी बोल सकते हैं। जब तक इसका 24,750 के डाउनसाइड हमारे फिर निफ्टी यहाँ पर होल्ड नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर इसको ये नहीं कहेंगे कि मार्केट हमारी यहाँ से डाउनसाइड आएगी। तो 24,750 का जो लेवल है आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा मंडे को। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो देन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,000 यहाँ पर 500 का, और देन फिर रहेगा हमारा यहाँ पर 24,046। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट रहेंगे, बट ये बड़े टाइम फ्रेम के हमारे टारगेट। फिर अब अपने इसके इंट्राडे के लेवल्स के बारे में जान लेते हैं कि आप मंडे को कैसे ट्रेड करके चलेंगे। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 24,990 का लेवल रहेगा, देन 25,104 का रहेगा, देन 25,175 का रहेगा, देन यहाँ पर हमारा फिर रहेगा 25,225। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर अपने सपोर्ट की बात करें तो हमारे लिए वो निकल कर आएगा 24,795 का, देन 24,686 का, देन 24,587 का, देन 24,500 का, और देन 24,400। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर सपोर्ट रहेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद भी जो ये लेवल है 24,800, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आप प्रीवियस भी देखें तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा रह चुका है। तो अगर मार्केट का ये लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक होता है तो देन आपको फिर ये नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। वैसे तो सबको साथ के साथ हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे कि हमारा मार्केट आर्ट्स के दौरान क्या बन रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। थैंक यू।